हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है? आप वीडियो देखो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए और वो बाकी वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है स्टूडेंट्स? तो सॉल्व कराता हूँ और कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियोज, ठीक है? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो आपका है क्वेश्चन, इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डेनोमिनेटर। तो अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स आपका वन न्यूमरेटर से, और इनके जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देने हैं, ठीक है? सॉल्यूशन अगर है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, और बाकी किसी मेथड से सॉल्व नहीं करना। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको ये क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ देखो, आपका ऐड करना है वन न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करना है वन डेनोमिनेटर में। तो आपका फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? और अगर ये हाफ बन जाएगा कब, जब आपका वन ऐड कर देंगे हम डेनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर होता है, ठीक है? तो जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये देखो आपका फ्रैक्शन, ये क्या होता है आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय आपका डेनोमिनेटर होता है, ठीक है? यही होता है। तो हम लीनियर इक्वेशन में, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, लेट करना। लेट न्यूमरेटर बी, आप लिखोगे यहाँ पे लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डेनोमिनेटर बी वाई, ठीक है? तो न्यूमरेटर एक्स और डेनोमिनेटर क्या होगा स्टूडेंट आपका वाई। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही आपको फाइंड करना है। तो अगर हम वन ऐड कर दें न्यूमरेटर में और वन सब्ट्रैक्ट कर दें डेनोमिनेटर में, तो मान लो स्टूडेंट्स आपका वन ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया आपका डेनोमिनेटर में, तो वाई माइनस वन डेनोमिनेटर आपका वाई। तो आपका ये क्या हो गया, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा आपका, रिड्यूसेस टू वन। तो फ्रैक्शन जो हो गया आपका वो क्या हो गया वन। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। देखो आपका ये जो वाई 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 माइनस वन है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू आपका वाई माइनस वन, ठीक है? ये आपका वाई लेफ्ट साइड में आ जाएगा और वन आपका राइट साइड में चला जाएगा। तो जब वाई लेफ्ट साइड में आएगा तो एक्स माइनस वाई, और आपका जब प्लस वन राइट साइड में जाएगा तो माइनस वन माइनस वन। तो आपका एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया और नेगेटिव का साइन आएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आपका माइनस टू, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आपका माइनस टू, आपका ये हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू हो गया। फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड वन टू द डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना स्टूडेंट, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, खाली आपका डेनोमिनेटर में आपका वन ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है? फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट आपका टू यहाँ पे मल्टीप्लाई और वाई प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स इक्वल्स टू आपका वाई प्लस वन। फिर वाई आप लेफ्ट साइड पे ले आओ तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू, ठीक है? तो अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है आपका एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा आपका, अगर हम क्या करें, ये आपका इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, ये देखो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट होने के कगार पे, ये माइनस वाई ये माइनस वाई, ठीक है? तो इसमें अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आपका, ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान देना आप लोग, करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आपका, इसको मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है? तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आपका क्या है माइनस टू है, और फिर आपका टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट आपका वन है। तो ये जो पॉजिटिव का साइन स्टूडेंट, ये नेगेटिव हो जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में क्या होता है, एज इट इज साइन यही रहता है। फिर आपका ये जो नेगेटिव का साइन है स्टूडेंट, ये यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? फिर देखो आपका,
अब क्या है, ये 2x का साइन माइनस का है, तो x माइनस 2x माइनस x आएगा, क्योंकि आपका ये क्या है 2x बड़ा है, तो माइनस 2x, ठीक है। फिर आपका माइनस y, और y का नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, तो माइनस y प्लस y आपका कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू आपका माइनस 2। इसका 1 का साइन आपका पॉजिटिव नहीं है, क्या है नेगेटिव है, तो माइनस 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा माइनस 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 3 हो गया, ठीक है। x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है आप क्या करो, किसी में भी पुट कर दो, तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, तो x क्या है आपका 3, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, 3 आपका राइट साइड में चला गया, तो माइनस 2 माइनस 3, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब नेगेटिव का ही साइन आएगा, तो 2 प्लस 3 आपका 5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल्स क्या आ गया स्टूडेंट आपका 5 आ गया, तो x 3 आ गया, y 5 आ गया, फ्रैक्शन क्या था आपका x बाय वाई, न्यूमरेटर आपने क्या किया था x और डेनोमिनेटर y, तो x बाय वाई, x बाय वाई क्या 3 बाय 5 आपका ये आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ गया आपका x बाय वाई इक्वल्स टू 3 बाय 5, तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से इसी तरह से। फिर देखो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है, तो सेकंड का सेकंड पार्ट दिखाता हूँ आपको मैं, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो सेकंड का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट यहाँ पे आपका, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो आपका 5 साल पहले, जैसे आप 14 के हो, ठीक है, 10th क्लास में 14 के हो आप, तो 5 साल पहले आप नाइन के थे, यानी 14 माइनस 5 हुआ, ठीक है, इसी तरह से करना है इसको। तो 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो आपका 5 साल पहले जो नूरी थी वो आपका 3 times थी सोनू की एज के। फिर इसके बाद 10 years लेटर, 10 साल बाद, यानी आज आप 14 के हो, तो आप कितने साल के हो जाओगे 10 years बाद, 24 के हो जाओगे, ठीक है। तो 10 years लेटर नूरी जो थी वो आपका ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू थी, तो डबल थी आपका सोनू की एज के। मैं लेट कर रहा हूँ 14 वाला, क्योंकि आप क्लास 10th में 14 की एज में हो, ठीक है, इसीलिए। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको यही दे रखा है कितने साल के होंगे नूरी और सोनू। तो आपको लीनियर इक्वेशन है, दो चीजें लेट करनी होती है, आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे नूरी और सोनू, तो यहाँ पे लिखोगे आप लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स ओल्ड, तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स ओल्ड, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स ओल्ड, तो आपका नूरी का एक्स ईयर ओल्ड है और सोनू का क्या है वाई ईयर ओल्ड है, ठीक है, नूरी का एक्स ईयर ओल्ड और सोनू का वाई ईयर ओल्ड। तो 5 years अगो पहला केस है आपका, 5 years अगो, तो 5 साल पहले आपका क्या हो जाएगा, दोनों की जो क्या कहते हैं एज है वो माइनस हो जाएगी, तो एक्स माइनस 5 हो गया, और ये भी आपका क्या है वाई माइनस 5, और उस टाइम पे 5 years अगो नूरी जो थी वो 3 times थी आपका सोनू की, तो ये नूरी की एज है 5 years अगो, ये प्रेजेंट एज आपका एक्स और वाई, फिर 5 years अगो यानी माइनस माइनस, और आपका नूरी जो थी वो आपका क्या थी थ्राइस थी सोनू के, ठीक है, थ्राइस ही थी, ठीक है, ट्वाइस तो नेक्स्ट पार्ट में। फिर इसके बाद देखो आपका इसको सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन बना लो, तो आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू आपका 3 times ऑफ y, बीच में माइनस का साइन, 3 5 15, फिर ये जो 3y है स्टूडेंट आपका ये लेफ्ट साइड में ले आओ, तो x माइनस 3y, फिर आपका माइनस 5 आप राइट साइड में ले आओ, तो माइनस 15 प्लस 5, फिर आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू आपका माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव का साइन बड़ा है, तो आपका माइनस 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक। फिर इसके बाद बोला है स्टूडेंट आपको यहाँ पे कि 10 years लेटर, तो 10 years लेटर यहाँ पे लिखोगे आप 10 years लेटर, तो 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज एज है नूरी की एक्स उनकी वाई, 10 साल बाद आपका एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10, ठीक है, और जो नूरी है आपका वो सोनू से ट्वाइस होगी 10 साल बाद, ठीक है। फिर आपका एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो 2y
प्लस बीच में साइन, फिर आपका टू टेन जा 20, फिर आप देखो 2y को आप लेफ्ट साइड पे ले आओ तो x माइनस 2y, 10 को आप राइट साइड में ले जाओ तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 10 हो गया। तो ये इक्वेशन सेकेंड, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एक तरह से डायरेक्ट हो गया। आप एलिमिनेट करो, आप लिखो यहाँ पे बस इतना लिखना है आपको, एलिमिनेट एलिमिनेट इक्वेशन इक्वेशन टू वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है। तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एलिमिनेट करना आपको, तो एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू आपका 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है पॉजिटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव का, यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेट किया आपने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एलिमिनेट किया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका, फिर माइनस 3y, यहाँ पे एक्स का जो साइन हो गया वो पॉजिटिव मेरा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे माइनस टू मतलब 2y का साइन अब नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव होगा, तो माइनस 3y प्लस 2y आपका स्टूडेंट माइनस वाई, और यहाँ पे देखो माइनस 10, माइनस 10 आपका क्या होगा स्टूडेंट माइनस 20 होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और वाई इक्वल्स टू स्टूडेंट आपका आ गया 20, ठीक है। वाई इक्वल्स टू 20 यानी सोनू की एज क्या है आपकी 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू आपका किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जैसे आपका एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 किया, इसमें पुट कर दिया तो एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू माइनस 10, फिर आपका ये है स्टूडेंट एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, फिर आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60, ये हो गया आपका एक्स इक्वल्स टू 50, 60 माइनस 10 50, तो एक्स 50 और वाई 20, यानी जो नूरी की प्रेजेंट एज है आपकी वो कितनी है 50 ईयर्स है, ठीक है। और सोनू की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज यहाँ लिख दो, प्रेजेंट एज ये आपका नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या स्टूडेंट यहाँ पे 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स ये नूरी और सोनू की एज, ठीक है। फिर देखो आपका स्टूडेंट इसका पार्ट थर्ड देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब इस वीडियो का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड का फोर्थ पार्ट और सेकंड का फिफ्थ पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग सेकंड का थर्ड पार्ट। तो इन क्वेश्चंस को आपका एलिमिनेशन मेथड से करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, तो आपका सम है डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो दो डिजिट में आपका क्या क्या होता है, ये आपका दो डिजिट हो गए, मान लो ये बीचों बीच लिखता हूँ, ये दो डिजिट हो गए, तो ये डिजिट कौन सा होता है आपका वंस डिजिट होता है, ठीक है, वंस प्लेस या वंस डिजिट होता है। और ये जो होता है स्टूडेंट आपका टेंस डिजिट होता है, ठीक है, ये टेंस डिजिट होता है और ये वंस डिजिट होता है। टेंस डिजिट का मतलब यानी 10 से मल्टीप्लाई करेगा और वंस डिजिट का यानी 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका तो ये है यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर का जो सम है आपका वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर का मतलब है कि कोई एक नंबर यहाँ पे है तो उसका 9 टाइम्स जो है इज इक्वल्स टू आपका इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो वो ट्वाइस है आपका क्या नंबर के, ये आपका वंस टेंस में कन्वर्ट हो गया और टेंस वंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर, तो नंबर आपको फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारा काम है आपका स्टूडेंट लेट करना, लीनियर इक्वेशन है, लेट आप करो यहाँ पे लेट वंस डिजिट, लेट वंस डिजिट नंबर बी यहाँ पे एक्स और टेंस डिजिट नंबर बी, टेंस डिजिट नंबर बी वाई। फिर स्टूडेंट सबसे पहली लाइन ये है कि इन दोनों नंबर का जो सम है आपका, दो नंबर आए होंगे एक नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे, इन दोनों नंबर का सम क्या हो गया 19 है, ठीक है 19 कह रहा हूँ 9 है, इन दोनों का नंबर का सम आपका क्या है 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो नंबर एक्चुअल में होगा क्या स्टूडेंट्स, तो जो नंबर होगा आपका वो क्या होगा टेंस डिजिट पे कौन सा है आपका स्टूडेंट, टेंस डिजिट पे आपका वाई है तो 10 इंटू वाई, प्लस में आपका वंस डिजिट पे क्या है एक्स है तो 1 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो गया नंबर आपका स्टूडेंट 10y प्लस
एच, तो नंबर ये है ठीक है। अब इसको जो रिवर्स करेंगे, रिवर्स यानी आपका जो वंस डिजिट है वो टेंस पे और टेंस जो है वो वंस पे, तो रिवर्स वाला जो नंबर है आपका ये आपका क्या हो जाएगा 10x+y, तो ये आपका कौन सा नंबर है मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड पे, रिवर्स नंबर ठीक है। तो आपका ये एक इक्वेशन आपका ये आ गया ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन यानी आपका जो नंबर है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर बोला था, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी कि आपका 10y+x इज इक्वल्स टू, यही है आपका 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो आपका ट्वाइस द, फिर इनको रिवर्स कर दिया, यही बताया आपको कि ये जो टेंस है, ये जो वंस है ये टेंस पे आ गया और ये जो टेंस पे है वो वंस पे चला गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका 10x+y ठीक है। फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 10 90 y + 9 x = आपका 2 10 20 x + 2 y, तो आपका x वाला एक साइड कर लेते हैं और y वाला एक साइड, तो 2 y जो है वो आपका एक साइड लिया है, यहाँ पे 90 y - आपका 2 y और ये आपका 9 x आपका राइट साइड में, तो 20 x - 9 x, ये हो गया स्टूडेंट आपका 88 y और ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या 11 x ठीक है। अब इसको सलीखे से लिख लेते थोड़ा ऑर्डर में, जो आपका ऑर्डर होता है 11x = 88y 11 8 88, तो x = 8y, इसको फिर आपका ऑर्डर में लिख दिया, तो x - 8y = 0, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ठीक है। तो आप देखो स्टूडेंट आपके पास x - 8y = 0 है, x + y = 9 है, आप क्या लिखोगे, आप ये लाइन लिख दो एलिमिनेट एलिमिनेट, ये लाइन लिख दो यहाँ पे एलिमिनेट इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट किया, x + y = आपका 9 x + y = 9, x - 8y = आपका 0 ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आपका कुछ भी लगा दो, मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, फिर आपका x x कैंसिल, क्यों, क्योंकि आपका x का पॉजिटिव साइन नहीं रहा, अब क्या हो गया नेगेटिव साइन हो गया, और ये 8y है इसका नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +y + 8y ये हो गया 9y ठीक है, और 9 - 0 9 आया, तो यानी आपका y कितना आया स्टूडेंट यहाँ पे y 1 आया, तो आपको ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही नीचे वाले ठीक है, तो y = क्या है स्टूडेंट आपका ये 1 आया ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं आपका ये इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, तो x + y = 9, तो x + 1 = 9 ठीक है, तो x = आपका क्या हो गया 8 हो गया ठीक है। तो आपको यही बोला था स्टूडेंट, यहाँ पे चेक कर लो आप कि दो डिजिट का जो सम होगा, ये जो मतलब दो डिजिट कह रहा हूँ, दो नंबर जो कि आपका वंस प्लेस और टेंस प्लेस में, उनका सम क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ पे देखो आपका ये वाई 1 आया, x 8 आया, तो 8 + 1 9। अब नंबर आपको बताना है कि नंबर क्या है, तो नंबर क्या था स्टूडेंट आपका टेंस प्लेस पे y था और वंस प्लेस पे आपका x था, तो यहाँ पे y कितना आया 1 और x कितना आया 8, तो ये हो गया आपका 11 + 8 यानी आपका 19 क्या स्टूडेंट, ये आंसर है ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 19 आपका क्या है आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फोर्थ फिफ्थ पार्ट, तो आप देखो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, और अगर कॉन्सेप्ट में कुछ भी गलती लग रही हो प्लीज़ कमेंट करना, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज इंस्टा पेज व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू।